माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा। ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Playgroup to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO certified school, जहां पर smart digital classes, computer lab, science lab, rich library, indoor and outdoor game, dance and music, art and craft, 24/7 backup security के साथ transport facility भी उपलब्ध है. Educated and experienced टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. आजमगढ़ सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ सोमवार को रोड शो के बाद शहर के एसकेपी इंटर कॉलेज में आयोजित सभा में रात 10 बजे तक नहीं पहुंचे तो कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। निरहुआ को निर्धारित समय 3 बजे सभा में पहुंचना था, लेकिन 7 घंटे की देरी के बाद भी रात 10 बजे तक जब वह मंच पर नहीं पहुंचे तो प्रशासन ने आचार संहिता का हवाला देकर कार्यक्रम बंद करा दिया। COCT इलामारन और शहर कोतवाल रशनेश कुमार सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर लाउडस्पीकर तो बंद करा दिया, लेकिन भाजपा नेता मंच पर डटे रहे। लाउडस्पीकर बंद होते ही समर्थकों को यह लगा कि अब निरहुआ नहीं आएंगे। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया, भीड़ अनियंत्रित हो गई, जमकर शोर शराबा हुआ और कुर्सियां फेंकी गईं। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट गए। करीब 10:30 बजे रात में निरहुआ मंच पर पहुंचे तो प्रशंसक फिर बेकाबू हो गए। सेल्फी लेने वालों में होड़ मच गई। निरहुआ ने मंच से हर हर मोदी, घर घर मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों की फजीहत रही। निरहुआ की सभा में जमकर अव्यवस्था देखने को मिली। किसी भी भाजपा नेता ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। इस संबंध में जब हमने वन मंत्री दारा सिंह चौहान से बात की तो उनका कहना था कि भाजपा अनुशासित पार्टी है, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। आप समझते हैं जो आप घड़ी के बारे में पूछ रहे हैं, समय वही है। इसके आगे क्या पूछना चाहते हैं? कुल मिलाकर के जो है 10 बज चुके हैं। ठीक है,
आचार संहिता के हिसाब से अपना मंच पे यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं? आचार संहिता के हिसाब से जो नाम से है कि आप किसी माइक का कोई इंतजार माने आप उसकी वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठीक हमने माने आचार संहिता का पूरी तरीके से हमारी पूरी पार्टी पालन करते हैं, आजमगढ़ की पूरी पार्टी और जनता हम लोग पालन करने के बाद, लेकिन मैं आजमगढ़ की उस महान जनता को बधाई देना चाहता हूं कि गाजीपुर की सीमा से आने के बाद जिस तरीके से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को हाथों हाथ यहाँ के जवान किसान आम लोगों ने ले लिया है, आज मैंने इतने सुबह से लेकर के 9 घंटे चलने के बाद भी इतनी लोकप्रियता निरहुआ की कि पहुँचने में इतना देर हो गया कि समय सीमा जो हमने लिया था परमिशन वो समाप्त हो गई, और यहाँ के जो नौजवान हैं मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ जिनका सब्र का बाँध अभी टूटा नहीं है, वो सब्र का बाँध तब तक नहीं टूटेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निरहुआ को लोकसभा में नहीं पहुँचा लेंगे और मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं। वही इस मामले में समाजवादी पार्टी का कहना है कि निरहुआ के कार्यक्रम में जमकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गईं, प्रशासन संज्ञान में लेकर कार्रवाई करे अन्यथा हम चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराएंगे। रहा है क्योंकि 9 बजे आचार संहिता के तहत लाउड स्पीकर बंद हो जाता है और इनकी सभा 11 बजे तक लाउड स्पीकर चली और बजा तो संज्ञान लेना चाहिए। हमारा अगर 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर बज जाता है तो उसको जाकर के उतरवा दिया जाता है, और इनका लाउड स्पीकर 11 बजे तक बजेगा और प्रशासन अगर नहीं मना करेगा तो माना यही जाएगा कि दवा में काम कर रहे हैं। क्या आप इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे? निश्चित रूप से शिकायत करेंगे कि आचार संहिता को उल्लंघन कर रहे हैं लोग। वहाँ पे कैबिनेट मंत्री मौजूद थे, उन्होंने 50% बयान दे दिया कि सभी चीज़ें जो है होती है, इसको क्या करें? तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है, जब सरकार का जिम्मेदार मंत्री कानून तोड़ेगा तो फिर कानून की रखवाली कौन करेगा, ये तो उनको सोचना चाहिए। और अगर इस तरह के बयान अगर वो कहते हैं तो मैं समझता हूँ मंत्री पद पर रहने लायक नहीं है। वाराणसी लुम्बिनी नेशनल हाईवे पर आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में सरसैया संयुक्त जिला चिकित्सालय के सामने सड़क पार कर रहे बाइक चालक को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार कार चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। ब्रेक लगने से कार अनियंत्रित होकर एक तरफ के डिवाइडर से जा टकराई और 5 फीट हवा में उछलकर दूसरी ओर डिवाइडर पर जा गिरी, जिससे कि कार की टंकी में छेद हो गया और आग लग गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और हाईवे पर लोग जान बचाकर भागने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से चालक और एक अन्य व्यक्ति को सही सलामत बाहर निकाला गया। आग ने कुछ ही पल में पूरी कार को आगोश में ले लिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने सड़क को अवरोध करते हुए बचाव कार्य में लग गए। प्रभारी निरीक्षक ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती आती कार पूरी तरह से जल गई। फायर ब्रिगेड ने आग को काबू में पाया। आपको बता दें कि रामदर्श प्रजापति पुत्र फत्तूराम प्रजापति निवासी आजमगढ़ शहर एवं विष्णु सिंह पुत्र दलीपथ सिंह ग्राम भीलमपुर छपरा आजमगढ़ अपनी निजी कार से लखनऊ से किसी कार से गए हुए थे और वहां से लौट रहे थे कि अतरौलिया स्थित सरसैया संयुक्त जिला चिकित्सालय के सामने सड़क को पार करते समय बाइक सवार को बचाते हुए डिवाइडर से कार जा टकराई और आग लग गई। करतालपुर बाईपास क्षेत्र स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल ने मंगलवार को अपना 6वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर से पहुंचे आरएसएस गोरख प्रांत के प्रांत प्रचारक सुभाष जी का विद्यालय के चेयरमैन घनश्याम दास अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रिंसिपल विधान तिवारी ने स्वागत सम्मान किया। स्थापना दिवस के अवसर पर विद्यालय का परीक्षा फल वितरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को कक्षावार विषयवार उनकी उपलब्धियों के आधार पर विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए।
कार्यक्रम के समापन अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल विधान तिवारी ने विद्यालय की विगत 5 वर्षों की उपलब्धियां लोगों के सम्मुख रखी, साथ ही भविष्य की योजनाओं के बारे में भी उन्हें विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष एडू स्पोर्ट्स की कक्षाएं संचालित हो चुकी हैं और फिजी की कक्षाएं भी शीघ्र ही संचालित होने वाली हैं, जिसके पीछे यही उद्देश्य है कि बच्चे नियमित कक्षाओं के दौरान ही इंजीनियरिंग व मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकें। आज हमारे विद्यालय का 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें पिछले वर्ष जो भी उपलब्धियाँ रहीं बच्चों की, उनको मेडल्स दिए गए, पुरस्कार दिए गए, और केजी से लेकर 11 तक जो भी बच्चे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आए थे उनको पुरस्कार और मेडल वितरित किए गए। इसका प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसके अतिरिक्त कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स बच्चों ने किए, जिसमें कि कई सारे सॉन्ग्स और डांस भी शामिल हैं, और बच्चों की उपलब्धियाँ जो पिछले वर्ष की थी उनको, उनके पेरेंट्स को आज आमंत्रित किया गया था, तो उनके सामने ही बच्चों को पुरस्कृत किया गया, और एक ये अच्छी उपलब्धि है। आज के प्रोग्राम की मुख्य अतिथि RSS के प्रांत प्रचारक माननीय सुभाष जी थे, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। वो स्पेशली गोरखपुर से यहाँ आए हुए थे। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य बच्चों का उत्साहवर्धन करना, उनको पेरेंट्स के सामने, उनको पूरे स्कूल विद्यालय के सामने उनको प्रस्तुत करना ही अपने आप एक में एक अनुपम चीज़ है। इससे उनको फ्यूचर के लिए मोटिवेशन मिलता है, ताकि फ्यूचर में और अच्छे से अच्छा करने के लिए वो प्रोत्साहित हो सके। दिव्यनाद के जरिए दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के द्वारा नूतन वर्षाभिनंदन के इस कार्यक्रम का दिव्य आयोजन सिधारी क्षेत्र स्थित श्रीमन मंगलम होटल में किया जा रहा है। भारतीय नववर्ष व विक्रम संवत 2076 के प्रचार प्रसार व लोकप्रिय बनाने के क्रम में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के बाबत स्वामी ब्रह्मेशानंद जी महाराज व स्वामी प्रभाकर जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव आशुतोष जी महाराज का यही संकल्प था कि भारतीय संस्कृत विश्व को संस्कार देने का काम करे, लेकिन जब लोग अपने ही नववर्ष से अनभिज्ञ हैं तो ऐसे में पहले अपने लोगों को ही जागरूक करना प्रमुख हो जाया करता है। इस दौरान अंग्रेजी नववर्ष व हिंदी नववर्ष का तुलनात्मक महत्व भी उन्होंने विस्तार से लोगों के सम्मुख रखा। देखिए, हमारे गुरुदेव का संकल्प है हमारी भारतीय संस्कृति को, जो हमारी भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को संस्कार दिया, पूरे विश्व को एक दिशा दी, और आज हमारी भारतीय संस्कृति, आज हमारे भारतीय लोग, आज हमारे समाज के लोग अपनी संस्कृति से अनभिज्ञ हैं। आज उन्हें अपना नववर्ष नहीं समझ है। जो हमारा नववर्ष जो 2076 विक्रम संवत, जो आज इससे परिचित नहीं है, जो कि हमारी संस्कृति, हमारा नववर्ष कहते हैं कि जिस समय हमारा जो चैत का जो पहला दिन है, उस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, और ऐसा दिवस, ऐसा दिव्य समय जिसे आज हमारे समाज के लोग, हमारे भारतीय लोग, हमारे जो भारत में रहने वाले लोग आज भूल चुके हैं, और महर्षि हमारे गुरुदेव हैं जो उस नौ वर्ष को जो भूल चुके हैं, उस आदि जिस समय सृष्टि की रचना हुई, आज उस नौ वर्ष को आज समाज में गुरुदेव देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी तो जन्म हुई है नौ वर्ष से, तुम्हारा तो संस्कार ही है उस ब्रह्म के द्वारा जागरण हुआ है, इसलिए उस नौ वर्ष को जो विक्रम संवत 2076 है, आप उसे जानिए, क्योंकि हमारा नौ वर्ष खुशियों को लेकर आता है। लेकिन जनवरी का जो नौ वर्ष है, उस समय आपके देखेंगे कि उस समय क्या होता है कि चारों तरफ पतझड़ होते हैं, उस समय शीत होती है, बर्फ पड़े होते हैं, लोग शीत से कांप रहे होते हैं, कहीं पर कोई खुशियां नहीं होती है, लेकिन हमारा नववर्ष जो है पतझड़ के बाद से एक नई कली खिलती है, वसंत ऋतु, एक ऐसा दिव्य समय जो चारों तरफ खुशियां होती है, चारों तरफ आनंद होता है, नौ वर्ष के संग जो है खुशियों को लेके आता है, जैसे नवरात्र है एक खुशियों का ही बहार है, इसलिए गुरु महाराज जी ऐसे नववर्ष को समाज को दे नए वर्ष के ऊपर वर्षाभिनंदन का एक बहुत ही एक सुचारू रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो मंगलम होटल में हुआ, और आज प्रथम दिन था। इससे उत्साहपूर्ण सबके अंदर रहा कि भारतीय संस्कृति के प्रति हमारा जो है जो लगाव है, जो वर्चस्व है, जो हमेशा उजागर रहे, बनी रहे।
इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज में एक नई सोच को प्रकट करना चाहते हैं, जो हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का एक लक्ष्य है, जो विश्व में शांति, जो एक सभ्य समाज की स्थापना करना वो चाहते हैं। जो माध्यम है ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जब मनुष्य के अंदर जब वो ईश्वरीय शक्ति से जुड़ता है तो समाज में बदलाव और समाज में परिवर्तन आता है। आज जो समाज इस मोह माया में जो भाग रहा है, जब तक ये मानव शांत और विराम नहीं होगा तब तक एक सभ्य समाज की स्थापना नहीं हो सकती। वहीं इस अवसर पर आयोजित हो रहे संगीतमय प्रवचन के दौरान गुरु आशुतोष जी महाराज के शिष्यों ने साधकों को मन की चंचलता व उसके विकारों के बारे में विस्तार से बताया। जो अज्ञानता से भरा हुआ है, जो विकारों से सना हुआ है, वह मन उसमें रंग करके विकार को खो देता है। मन वास्तविक स्वरूप में आता है और जो मन का वास्तविक स्वरूप आनंद है, सुख है। मन विकारों की ओर है तो मनुष्य के जीवन में अशांति है। मन दुर्गुणों की ओर जाता है तो अशांति है। मन रूप बदल ले सद्गुणों की ओर हो जाए। संसार में अक्सर आप देखते होंगे, लोग कहते हैं बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही बुरा करना चाहिए। परंतु मन कहां से माने? मन तो सोचने के लिए विवश है, क्योंकि मन का स्वभाव है। जब पानी को आप छोड़िए कहीं पे तो गड्ढा और खाई ढूंढता है, पानी ऊंचाई पे नहीं रुकता। इसी तरह से मन को छोड़िए तो विकार कमियां गंदगी ढूंढता है, दुर्गुण ढूंढता है। ये मन की प्रवृत्ति, मन का स्वभाव है। परंतु जब गुरु जीवन में आते हैं तो इसको चेंज करते हैं। जिस तरह से पानी को ताप दिया जाए तो वाष्प बनकर के आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, उसी प्रकार से जो मन विकारों में लगा हुआ है, बुराई में लगा हुआ है, नफरत में लगा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष में जकड़ा हुआ है, वह मन ऊर्ध्वगामी होकर प्रकाश के रंग में रंग जाता है, वो आनंदित हो जाता है। मतदान कार्मिकों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार दूसरे दिन भी पीठासीन अधिकारियों और प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण जारी रहा। डीएवी इंटर कॉलेज के विभिन्न कक्षों में चल रहे मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कक्षों में जाकर मतदान कार्मिकों के ज्ञान की व्यवहारिक समीक्षा की, ईवीएम और वीवीपैट का उनसे संचालन करवाया और उसकी बारीक जानकारियों के संदर्भ में सवाल पूछे। इस दौरान उन्होंने मतदान कार्मिकों को गंभीरता से प्रशिक्षण लेने, चीज़ों को बारंबार जानने सीखने के लिए प्रेरित किया। ये सभी मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण यहाँ चल रहा है, जो 5 दिनों तक चलना है। 8 तारीख से चल रहा है, 12 तारीख तक चलेगा। और अभी इनको पीठासीन अधिकारी के दायित्वों के बारे में और पोल ड्यूटी पर रहने वाले सभी कर्मचारियों के दायित्वों के बारे में बताया गया है। अब इनको ईवीएम मशीन का संचालन स्वयं करके सीखने और समझने का अवसर दिया गया है, और ये अपने हाथ से ही मशीनों को सील करना, खोलना, संचालन करने का अभ्यास यहाँ कर रहे हैं। ये कार्यक्रम 12 तारीख तक चलता रहेगा और पुनः दोबारा इसका प्रशिक्षण कराया जाएगा।